तो यहाँ पर सर जी आ रहे हैं जो ट्रेन चलवाते हैं। तो सर जी क्या हुआ, ट्रेन का कुछ पता नहीं चल रहा है, कब आएगी, क्या होगा? ट्रेन आने वाली है, एक आध दो दिन में आ जाएगी कन्फर्म? अमला तक आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड, ये सर जी अपना ट्रेन चलवाते हैं, जो भी जानकारी रहता है तो इनको पता चल जाता है कब ट्रेन आएगी। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज फिर से हम दिखाने वाले हैं अमला रेलवे लाइन का अपडेट, और अमला बिल्डिंग पर भी हम लोग चलेंगे, मगर वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तो वो वीडियो पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी अच्छे तरीके से समझिएगा। तो आज यहाँ आगे के साइड में वर्क चल रहा है, आगे के साइडों में ये देखिए, ये जितने भी बड़ी वाली गिट्टकें हैं सारी हम आपको इस वीडियो में दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, ये साइडों से जितनी भी गिट्टी बिखरी पड़ी थी, ये सारे जो कि इनके अंदर में डाले जा रहे हैं, जो इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। और आगे के साइड में वर्कर पूरा काम कर रहे हैं, तो वो भी चलकर हम इस वीडियो में फाइनली अच्छे तरीके से दिखाएंगे। और बता दें, इन लाइनों की भी जो कि साइड से तारा जा रहा है और इनकी सेटिंग किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, फाउंडेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फाउंडेशन फ़िलहाल में अभी नहीं रेडी है, और पोल अभी फ़िलहाल में यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। जो आगे के साइड में यहाँ से मुमकिन से 6-7 फाउंडेशन होंगे, वहाँ से आगे तक जो है इंदारा से लेकर वहाँ तक फाउंडेशन लग चुके हैं। और यहाँ से आगे के साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ से देखिए, आगे के साइड में एक पोल यहाँ पर है, जो वहाँ पर आगे के साइड तक जो है कि स्टेशन से आगे तक जो है कि लगते हुए चले गए हैं। तो यहाँ पर आइए, हम पूरा अपडेट आपको फाइनली अच्छे तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम यहाँ पर अपडेट निकालने के लिए आए हैं। आप बार बार कमेंट कर रहे थे, इस वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा है अपडेट देने के लिए। तो यहाँ पर सर जी आ रहे हैं जो ट्रेन चलवाते हैं। तो सर जी क्या हुआ, ट्रेन का कुछ पता नहीं चल रहा है, कब आएगी, क्या होगा? ट्रेन आने वाली है, एक आध दो दिन में आ जाएगी कन्फर्म? अमला तक आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड, ये सर जी अपना ट्रेन चलवाते हैं, जो भी जानकारी रहता है तो इनको पता चल जाता है कब ट्रेन आएगी कब नहीं आएगी। मगर अगली बार तो बताए थे कि 2-4 दिन में आ जाएगी, मगर तो ट्रेन तो नहीं आई थी, ब्रेक लोड नहीं हो पाया। हाँ, ब्रेक लोड नहीं हो पाया, आज चल रहे हैं। तो अभी इस टाइम में ट्रेन कहाँ पर होगी? ट्रेन गोंडा से चल चुकी है। रेल कहाँ से? गोंडा। अच्छा, गोंडा से चल चुकी है माल भर के। तो 1-2 दिन में यहाँ पर पहुँच सकती है, अमला तक आएगी? हाँ, अमला तक आएगी। अच्छा, अमला तक, ये सर जी बता रहे कि अमला तक आएगी। तो अभी यहाँ पर फिलहाल पे क्या वर्क किया जा रहा है? यहाँ पैकिंग हो रहा है। अच्छा, पैकिंग हो रहा है यहाँ पर, और ये सारे गिटक डाले जा रहे हैं, लेबल कर किए जा रहे हैं। तो काफ़ी खुशी हुई इनसे बात करके, और ये मिल जाते हैं तो थोड़ा सा और भी जानकारी मिल जाती है हमें, और आप तक जो है कि हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था यहाँ पर अपडेट हमें देने के लिए। मगर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई यहाँ का कुछ अपडेट पता नहीं चल रहा है, तो आज फाइनली अपडेट आपको देकर क्लियर हम कर देंगे। और ट्रेन मान के चलिए 1-3 दिन के अंदर में यहाँ पर आने वाली है। और यहाँ पर देखिए, पैकिंग का पूरा काम चल रहा है, और गिट्टक का जो भी साइडों में बिखरे पड़े थे वो सारे इनके अंदर भी डाले जाएंगे और लेबल भी किए जाएंगे। तो मुमकिन आगे के साइडों से लेबल भी किया जा रहा है, आगे के साइड से लेबल किया जा रहा है, सारे स्लीपरों के बीच में लेबल। तो आगे के साइड में वर्कर लगे, थोड़ा सा चलकर दिखाते हैं क्या कुछ वर्क यहाँ पर हो रहा है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देखिएगा तो पूरी जानकारी मिलेगी। लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को इसी तरह के देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये अपना थानी दास का स्कूल है जो ये सामने है। तो इस साइड में यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, इसकी वीडियो हमने 1 महीना पहले दिखाई हुई थी, मगर आज हम फिर आपको अच्छे तरीके से दिखाने जा रहे हैं। जो ये देखिए, ये ट्रेकें सारे जितनी है सारे फाइनल हो चुकी हैं। और आप कमेंट कर रहे थे कि ये मगर अमला के साइडों में जो ट्रेकें लगी हुई है फ़ाइनल हुई कि नहीं हुई, तो सब कुछ जानकारियाँ हम फाइनली आपको अच्छे तरीके से देंगे। और यहाँ पर पैकिंग का काम पूरा किया जा रहा है देखिए, और ये जितने भी सारे गिट्टक हैं ये इनका अंदर भी डाले जाएंगे, सारे लेबल किए जाएंगे, जो सब कुछ हम दिखा पा रहे हैं। और यहाँ पर वर्कर सारे लगे हुए हैं जो अपना काम कर रहे हैं पैकिंग का। तो क्या काम हो रहा है भाई अभी? अच्छा, अच्छा, थोड़ा थोड़ा ऊंचाई हो रहा है इसका, ऊंचाई होने के बाद उसके अंदर ये भर दिया जाएगा कंक्रीट। तो यहाँ पर हम बता दें, जो मतलब नीचा ऊंचा है पटरी, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अभी इन पे जो है कि हुक नहीं सारे लगाए गए हैं, तो इनको जस्ट उठाया जाएगा, उनके अंदर ये सारी कंक्रीटें भरी जाएंगी, और जो स्लीपर ऑलरेडी पहले से फाइनल है उनके लेबल ये पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर सारे वर्कर लगे हुए हैं, देखिए किस तरह से वर्क किया जा रहा है, जो हम इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से दिखा पा रहे हैं। तो ये चाचा देखिए अपना काम कर रहे हैं, और जो नहीं लगे हुए हैं उनको जो कि सेटअप किया जा रहा है यहाँ पर। और सारे
ये देखिए इस तरह से जो है कि काम किया जा रहा है, पूरा सेटिंग किया जा रहा है, जो हम वीडियो में दिखा पा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से। और ये इनको उठाकर जो है कि अंदर के साइड में पूरे गिट्टे के भरे जाएंगे, जो ट्रैकों को लेबल किया जाएगा, यही काम हो रहा है ना भाई? हाँ जी। और यहाँ पर देखिए मैनेज किया जा रहा है ट्रैकों को, यहाँ पर देखिए उस हिसाब से लेबल किया जा रहा है, और आगे के साइडों में भी पूरा काम किया जा रहा है। और सर जी क्या हाल है? बढ़िया है। तो यहाँ पर यही काम चल रहा है, और महीने दिन के बाद हम यहाँ पर अपडेट देने के लिए आए हुए थे। ये देखिए, और इनके अंदर जो ये गैप देख पा रहे हैं, जो इनको थोड़ा थोड़ा उठाकर इनके अंदर बड़ी वाली गिट्टकें सारी भरी जा रही हैं, और आगे के साइड से ये पूरा काम चल रहा है। वो देखिए सारे वर्कर आगे के साइडों में भी लगे हुए हैं। तो ये अपना घोसी के साइड से जो है कि वर्क होते हुए ये सीधे आ रहा है, और ये सीधे होते हुए अपना आगे चला जाएगा अमला साइड के आगे। तो क्या कुछ आगे अपडेट होगा वो भी हम अपडेट आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो ये देखिए पूरा सेटिंग किया जा रहा है, और यहाँ से जो है कि सेटिंग करते हुए सारे लोग जो है कि ये दोहरी तलक जो है कि जाने वाले हैं लोग। तो बहुत तेज़ी गति से काम चल रही है, जल्दी ये काम फाइनल हो जाएगा तो ट्रेन आने की जो है संभावना 2 से 3 दिन में बढ़ जाएगी। और हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी से आप लोग को ट्रेन जो है कि जल्दी से दिखाने की कोशिश करें, मगर फिलहाल भाई जब ट्रेन आएगी तभी तो हम दिखा पाएंगे, नहीं आएगी तो कैसे हम दिखाएंगे। तो आगे फ़िलहाल काफ़ी तेज़ी गति से वर्क चल रहा है अपने दोहरी घाट के लाइन पर, और कुसमा में भी पूरा वर्क किया जा रहा है। तो आई होप कि सारी बातें आपको हमारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और वीडियो ज़रा से पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे के साइड में, यहाँ पर जो भी कुछ वर्क हो रहा था सारा कुछ हमने दिखा दिया है। चलेंगे अमला बिल्डिंग पे और वहाँ चलकर देखेंगे क्या कुछ वर्क हो रहा है। और ये देखिए मैनेज किया जा रहा है ऊंचाई नीचाई, मतलब इनको इस तरह से जो है कि ट्रैकों को लेबल किया जा रहा है, कहाँ पे लेबल नहीं है उनको जो है कि मशीन के ज़रिए से उठाया जा रहा है स्लीपर को, और उनके अंदर जो है गिट्टक सारे भरे जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो है कि पूरा काम किया जा रहा है। तो आइए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अमला स्टेशन पर चलते हैं लेकर, और दूसरी वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से अपडेट हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक स्लीपर, वहाँ पर देखिए ये खाली है जगह, तो ये क्लीन किया गया है यहाँ पर, तो वो स्लीपर यहाँ पर डालकर इनको जो है कि अच्छे तरीके से इनके साथ में मैनेज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर भी एक स्लीपर खाली है, तो यहाँ पर भी डले जाएंगे, मतलब जो आगे के साइड में बहुत काफ़ी अभी स्लीपर खाली है, जो अधूरे हैं उनको इनमें डाला जाएगा और इन पर काम किया जाएगा। तो आपको हमारी बातें सारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अंडर पास की अगर बात करेंगे तो अंडर पास ये ऑलरेडी जो है कि पहले से 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले से ये फाइनल हो चुका है। देखिए पब्लिक यहाँ से आ रही है जा रही है, और ये हाईवे के साइड में सीधे चला जाता है, और फाउंडेशन में अभी पोल नहीं लगे हैं, मुमकिन ये भी 2-4 दिन के अंदर में लगी जाएंगे। जब ये काम सारा फाइनल हो जाएगा तो 2-4 दिन के अंदर में ये सारे फाउंडेशन के अंदर पोल लगाए जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो आइए मिलते हैं अमला स्टेशन पर।